रेड लाइट नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सेक्स वर्कर्स की छवि उभर उठती है। चमकीले कपड़े, हेवी मेकअप से सजी लड़कियां सड़क के किनारे ग्राहकों को इंतजार में बैठी रहती हैं। कुछ लोग इन्हें दया की दृष्टि से देखते हैं तो कुछ लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन इनकी वास्तविक जिंदगी कितनी दर्द भरी होती है इसकी कल्पना भी हमारे सोच से परे है। कितने में बिक जाती है यहाँ की लड़कियाँ और कितने देर में संबंध बना सकती है आपके साथ। यहाँ पर मिलती है आपको सबसे कम उम्र की लड़कियाँ जिनके साथ आप मात्र 120 रुपए में सेक्स कर सकते हैं। अगर आप इस एरिया में जाते हैं तो वहाँ की लड़कियाँ आपको बुलाते हुए नजर आएंगी। आप वहाँ जाने के बाद अगर संबंध बनाना चाहते हैं तो आप अपनी मन पसंद की लड़की के साथ यौन संबंध बना सकते हैं और यहाँ पर ज्यादा कीमत भी नहीं लगती। यह अपने भारत का सबसे सस्ता रेड लाइट एरिया है। जी हाँ दोस्तों, हम एशिया के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया सोनागाछी के बारे में बताएंगे जो कि कोलकाता में स्थित है। कहा जाता है कि पूरे एशिया में देह व्यापार के लिए सबसे ज्यादा लड़कियां सोनागाछी इलाके में होती हैं और इसी वजह से यौन कर्मियों और ग्राहकों की संख्या की दृष्टि से यह एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है जहां पर लोग सबसे ज्यादा सेक्स करने के लिए जाते हैं, लड़कियों या फिर महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाने के लिए जाते हैं। दोस्तों अगर आंकड़ों की बात करें तो यहां करीब 12,000 लड़कियां और महिलाएं सेक्स वर्कर्स का काम करती हैं। सोनागाछी में आपको हर उम्र की लड़कियां मिल जाएंगी। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको वहां पर 18 साल से कम उम्र की लड़कियां भी मिल सकती हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हर साल यहां लगभग 1,000 से ज्यादा संख्या में महिलाएं आती हैं और दूसरों के साथ पैसे की लालच में यौन संबंध बनाती हैं। लेकिन दोस्तों एक बार इस अंधेरी दुनिया में पैर रखने के बाद उनकी जिंदगी यही कट जाती है, क्योंकि जो इस अंधेरी दुनिया में अपना पैर रख देता है वह बाहर निकाल नहीं पाता। जो सेक्स की एक बार लत लग जाती है उसको हमेशा सेक्स की भूख लगी रहती है। इसी वजह से जो एक बार इस अंधेरी दुनिया में घुस जाता है वह दोबारा निकल नहीं पाता। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोलकाता का यह इलाका एक स्लम एरिया है। इनकी अंदरूनी गलियों का रहन सहन, इनकी दिनचर्या, इनकी खान पान देखकर आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस मजबूरी में यह लड़कियां सेक्स वर्कर्स की काम करती हैं, आर्थिक रूप से इनकी हालत कितनी ज्यादा कमजोर होती है। कुछ रिपोर्ट्स की बात माने तो इसमें खुलासा किया गया है कि यहां 18 साल की कम उम्र की बच्चियों को मात्र 120 रुपए में बेच दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, 18 साल से कम उम्र की लड़कियों को मात्र 120 रुपए में बेच दिया जाता है। गरीबी की आलम इतनी ज्यादा है यहाँ पर है कि अगर ग्राहक उसकी बेटी के या बच्ची के लिए आ गया तो उसको स्कूल से बुलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनवाया जाता है और यह सब उनके माता पिता के सामने होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर गरीबी की आलम इतनी ज्यादा है कि 130 रुपए से 200 रुपए के लिए यहाँ की लड़कियाँ अपने जिस्म की सौदा करने में नहीं कतराती और अपने ग्राहक को हर एक सुविधा हर एक सेवा देने की कोशिश करती रहती हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इस दलदल में पैदा होने वाली बच्चियों की किस्मत में जिंदगी के आने वाले टाइम में यही काम करना लिखा होता है। जिस्म फारोशी के इस काले धंधे में इनको रोकने और टोकने वाला कोई भी नहीं होता और हर रोज इनसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए हजारों लोग आते रहते हैं। इतना ही नहीं, वहाँ पर संबंध बनाने वाले आदमी जो जाता है अपनी मन पसंद की लड़की को पसंद करके अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए लेकर जाता है। दोस्तों अगर आप भी इन गलियों में जाते हैं तो वहाँ पर आपको अपने पास बुलाने के लिए लड़कियों की आवाज सुनाई देती रहेंगी। वही लड़कियाँ अपने दरवाजे पर खड़ा होकर आपको अपनी तरफ बुलाएंगी। अगर आप उन गलियों में घूमते हैं तो आपको चारों तरफ से शारीरिक संबंध बनाते हुए जो आवाज लड़कियों के अंदर से निकलती है वह आवाज आपको आसानी से चारों तरफ से सुनने को मिल जाएंगी। अगर आप वहां पर जाते हैं तो आपको वहां की लड़कियां हाथ पकड़ के अपने तरफ खींचेंगी। दोस्तों अगर आप भी किसी लड़की के साथ पैसा देकर शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं तो आप यहां पर जा सकते हैं, क्योंकि आपको पैसे के बदले यहां पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए लड़कियां आसानी से मिल सकती हैं और हजारों लोग रोजाना इनके साथ संबंध बनाने के लिए यहां पर आते रहते हैं। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा ही वीडियो मिलता ही रहेगा।